गुफाएं हमेशा से हमारे इतिहास संस्कृति को जानने का जरिया रही है। ये ऐतिहासिक धरोहरें चित्र और कलाकृति के जरिए अतीत में घटी कई घटनाओं में हमें वाकिफ करती है। भारत में अजंता एलोरा की गुफाएं इसकी जीती जागती मिसाल है। ये सुंदर गुफाएं जहां एक तरफ सुंदर चित्रकारी और मूर्ति कला से हमारा दिल जीत लेती है, वही इसकी कंस्ट्रक्शन आज भी कई सवाल खड़े करती है। इन्हें देखने वालों के जहन में भी ये ख्याल आता है कि आखिर इतनी भव्य गुफाएं बनाई कैसे गई, इनके निर्माण के पीछे क्या मकसद रहा और आज तक अजंता एलोरा के रहस्यों को कोई क्यों नहीं जान पाया। चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं। भारत में अजंता की गुफाएं मूर्तिकला, चित्रकला और अध्यात्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाती है। चारों तरफ पत्थर और घने जंगल से घिरी ये गुफा आज भले ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन इनसे जुड़े रहस्य की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 101 किलोमीटर दूर मौजूद है, जबकि एलोरा की गुफाएं वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इन भव्य गुफाओं के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि इनका निर्माण फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी बीसी के दौरान किया गया था। फिर गुप्ता वंश के दौरान इसमें कुछ नई अद्भुत गुफाओं को जोड़ा गया, यानी कि इनका निर्माण दो फेजेस में किया गया। अलग अलग काल में निर्मित होने के कारण इन गुफाओं में बुद्ध धर्म की झलकियां जरूर देखने को मिलती है। इसके नायाब स्कल्पचर और चित्रकला इसे बुद्ध रिलीजियस आर्ट का मास्टरपीस बनाती है। अजंता में हमें 30 गुफाएं देखने को मिलती है, जिसमें से 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ है। इन मठों से हमें बौद्ध धर्म के विकास और संस्कृति की एक अलग तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन इनका दीदार करते हुए ये सवाल भी आता है कि आखिर इन्हें बनाने का मकसद क्या रहा होगा। रिसर्च और आंकड़ों के आधार पर ये कहा जाता है कि इन गुफाओं को बनाने के पीछे का मकसद गौतम बुद्ध के जीवन और अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना था। बौद्ध धर्म की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी इन गुफाओं का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि अजंता केव्स में मौजूद प्रार्थना सभा और मठों को 250 फीट चट्टान की दीवार पर उकेरा गया है। गुफा में अंदर बुद्ध धर्म के जन्म और पुनर्जन्म के चित्र लगाए गए हैं। आर्य सूरज जटकमला कथा को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। कहते हैं कि साइट को मॉन्क्स और मर्चेंट्स रेस्टिंग प्लेस की तरह इस्तेमाल करते रहे होंगे। प्राचीन समय में ये गुफाएं लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होंगी, लेकिन हैरानी की बात है कि वक्त के साथ ये लोगों की नजरों से ओझल हो गई। घने जंगलों में छिपे होने के कारण हजार सालों तक ये कलाकृति खंडर बनकर रह गई। इसका अस्तित्व केवल स्थानीय लोगों तक सीमित रहा, लेकिन फिर साल 1819 में बाघ का शिकार करने के दौरान जॉन स्मिथ ने अजंता की गुफाओं को खोज निकाला। इसके भव्य मठ और प्रार्थना ने जॉन स्मिथ को भी हैरानी में डाला। कई आर्कियोलॉजिस्ट के अध्ययन से ये बात तो साफ हो गई कि सभी गुफाओं को एक ही चट्टान के पत्थर से काटकर बनाया गया था, लेकिन पुराने समय में ये चमत्कार संभव कैसे हुआ, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट भी इस बात से हैरान है कि सेकंड सेंचुरी में कैसे बिना तकनीक के एक ही चट्टान को काटकर गुफाओं को तैयार किया गया। आखिर कौन से उपकरण को इसमें लगाया गया, इतनी सटीक इंजीनियरिंग को उस समय कैसे अंजाम दिया गया, इन सवालों का आज भी कोई साफ जवाब नहीं है। अजंता की गुफाओं के भव्य निर्माण को आज भी रहस्यमय दृष्टि से देखा जाता है। कुछ यही हाल एलोरा की गुफाओं का भी है। अजंता से 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ हमें 34 केव्स देखने को मिलती है, जिन्हें बसाल्टिक पहाड़ी के किनारे बनाया गया है। दिलचस्प बात है कि एलोरा गुफा केवल एक ही धर्म से नहीं जुड़ी हुई है, इसमें हमें हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। दरअसल इन गुफाओं का निर्माण 600 से 1000 सीई के बीच किया गया था। इस दौरान महाराष्ट्र पर राष्ट्रकुटा और यादव वंश का राज था। ऐसे में जहां राष्ट्रकुटा ने एलोरा में बुद्धा और हिंदू गुफाओं का निर्माण कराया, वहीं यादव वंश ने जैन धर्म से प्रेरित गुफाओं का कंस्ट्रक्शन कराया। अलग अलग वंशों में निर्मित होने की वजह से आज हमें एलोरा में तीन धर्म की छाप देखने को मिलती है। लेकिन दिलचस्प बात है कि अजंता की तरह ही एलोरा की बनावट भी वैज्ञानिकों को हैरत में डाल देती है। खास तौर पर एलोरा में मौजूद कैलाश टेंपल की बनावट सबसे ज्यादा रिसर्चर्स का ध्यान अपनी ओर खींचती है। 100 फीट ऊंचे इस इंजीनियरिंग के नमूने का कोई तोड़ नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एलोरा की गुफाओं को बनाने में 18 साल का समय लगा होगा। लगभग 4 लाख टन की चट्टान को काट कर ऐसी भव्य गुफाओं को बनाया गया होगा। इसमें निर्माण के लिए मजदूरों ने रोजाना 12 घंटे से भी ज्यादा काम किया होगा। हर घंटे उन्होंने लगभग 5 टन पत्थर को तोड़ा होगा, जो कि किसी भी इंसान के लिए करना संभव नहीं है। भले ही कई हजारों मजदूरों ने मिलकर इन गुफाओं के निर्माण पर काम किया होगा, लेकिन साइंटिफिकली उन्होंने ऐसा कैसे किया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें गुफा के अंदर भारी भारी पत्थर लगे हुए मिलते हैं। इन पत्थरों को खूबसूरत तरीके से तराशा गया है, लेकिन इस काम को अंजाम कैसे किया गया, ये एक बड़ा राज है। बिना किसी टेक्नोलॉजी और उपकरण के कैसे उस दौर में इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर को प्लान किया गया, इसके कुछ अलग जवाब भी हमें सुनने को मिलते हैं। दरअसल कुछ लोग मानते हैं कि इन गुफाओं को बनाने में एलियंस की मदद ली गई होगी। उस दौर में इंसान उपकरण बनाने में सक्षम नहीं था, ऐसे में हो सकता है कि किसी बाहरी शक्ति की मदद से इतने खूबसूरत ढांचों का निर्माण किया गया। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि संत महात्माओं ने बाहरी शक्ति की मदद से इतनी शानदार कला के नमूने को बनवाया गया होगा ताकि वह इसे रेस्टिंग प्लेस के तौर पर इस्तेमाल कर सके। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि अजंता एलोरा की गुफाओं में देवताओं का वास था। पुराने समय में यहाँ हर देवी देवता रहा करते थे, इसीलिए सालों तक लोगों की नजरें इस जंगल पर नहीं गई। जंगल में कभी कोई उनके इस आवास को नहीं खोज पाया। हजार साल बाद जब ये जगह मिली तो सभी देव यहाँ से अपने आप चले गए। ऐसा भी कहा जाता है कि इन गुफाओं में एक सीक्रेट रास्ता है जो पहले खुला करता था लेकिन अब बंद हो चुका है। स्थानीय लोगों से इन भव्य गुफाओं के बारे में ऐसा भी सुनने को मिलता है कि इनके नीचे कभी शहर बसा करता था। कुछ लोग मानते हैं कि आज भी ये शहर बसे हुए हैं, लेकिन उन शहरों तक पहुंचना आसान नहीं है। आज तक कोई ऐसा करने में सफल नहीं हुआ है। अजंता और एलोरा से जुड़ी सभी रहस्य और फैक्ट्स को सुनने के बाद एक बात तो साफ होती है कि ये गुफाएं केवल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, बल्कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की संस्कृति का प्रतीक है। कई अलग अलग टाइम पीरियड्स में हुए इसके विकास की वजह से इसके सभी रहस्यों पर से आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। अगर आप भी उन लोगों में से एक है जो रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों पर जाने का शौक रखते हैं, तो अजंता एलोरा की गुफाएं आपके लिए परफेक्ट स्पॉट है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए दिलचस्प टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।